बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुलरहमान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो सेटअप टूर के ऊपर है। आज की वीडियो में आप मेरा सेटअप देखेंगे, जो मेरे गोट्स हैं वो देखेंगे। बाकी ये है कि ये जो गोट्स हैं, मैंने ये पहले वीडियो में कह दिया था कि ये फॉर सेल हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी बुक हो चुके हैं सारे। तो जो नया स्टॉक आएगा फिर उसमें से आप चूज़ कर लीजिएगा। बाकी नए स्टॉक के अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता दें, लेकिन सिर्फ वही आएंगे अभी जो ईद तक रेडी हो जाएं बकरे और दुम्बे। तो अभी आपकी जो सेटअप टूर की वीडियो वो आप एंजॉय करिएगा। ये सेटअप की थोड़ी बहुत अपडेट देनी थी, तो मैंने बोला आप लोग को दिखा दूं कि ये आपने पहले देखा होगा यहाँ जाली लगी हुई थी ना, तो जालियाँ को ये लोग कूद कूद के बाहर आ जाते थे। तो अभी यहाँ लकड़ियाँ लग गई हैं। इसके अलावा ये आपको अंदर से दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ सारी थी जालियाँ, अब यहाँ लकड़ियाँ लग गई हैं। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ती हैं, थोड़ी मोटी भी हैं, तो ये लोग मूव नहीं कर पाते उसको। और यहाँ ब्लैंकेट वगैरह लगे हुए थे, सर्दियों का सेटअप था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम सही है तो अभी ये वो सेटअप हट चुका है और थोड़ा ये लंबा भी हो गया इसमें। बाकी ये न्यू स्टॉक आया हुआ है, इनकी इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगी। व्हाट्सअप आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इस सेटअप पर सारा फॉर सेल का स्टॉक आता है मेरा। ये ऊपर से आप देख सकते हैं ये स्लोप दिया हुआ है, थोड़ा सा बारिश वगैरह आए तो सारा पानी नीचे ही आए, और ये दो तरपाल और पैनाफ्लेक्स है यहाँ पे, तो पानी पानी इतना प्रॉब्लम भी नहीं होती। और ये सेटअप भी बड़ा है तो ये लोग अंदर खुले घूमते रहते हैं, और ये लोग इन गैप्स से बाहर भी नहीं आते। सर दूसरा सेटअप ये है मेरे घर पे, ये छोटा सा सेटअप है। अगर कोई बकरा बकरी बीमार हो जाए तो उसका ये समझे क्वारंटाइन है, वहाँ इतनी अच्छी धूप नहीं आती है, तो यहाँ रख देता हूँ ज़्यादातर दो तीन घंटे दिन में, ताकि इनको धूप भी लग जाए। ये पहले मेरा ये सेटअप था, उसके बाद फिर मैंने वो बड़ा सेटअप करा थोड़ा। यहाँ पे भी पैनाफ्लेक्स पैनाफ्लेक्स है, और यहाँ पे अच्छा वहाँ जैसे आप देख सकते हैं ये बांस मैंने वो ज़मीन में हम डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी थी, मगर यहाँ जो है मिट्टी नहीं थी, तो यहाँ हमने पहले फ्रेम बनाई। ये एक थोड़ा आईडी के लिए भी मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जिनके पास जो नीचे बनाना चाह रहे हैं अपने घर के, वो ये चीज़ कर सकते हैं कि फ्रेम बना लें, उसके बाद उसमें लकड़ी वगैरह ज्वाइन कर लें। देखें पूरी फ्रेम बनी हुई है यहाँ से, ये कुछ छोटी सी अपडेट थी मैं आपको देना चाह रहा था अपने फार्म से मुतालिक। बहुत से लोग बोले थे कि सेटअप टूर हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा सेटअप टूर ही हो गया ये एक तरह से। ये बात बता दूं कि ये जो है ना, ये मैंने थोड़ी सस्ते कॉस्टली भी कम पड़ता है और है भी अच्छी चीज़। तकरीबन मुझे 40 बांस पतले वाले 3000 रुपये की कॉस्ट आई थी मुझे टोटल, और ये अच्छा काम भी हो गया, वरना जाली में ये लोग कूद कूद के ऊपर से निकल आते थे, इसमें ये लोग नहीं आएंगे। बाकी आप ये गैप देख सकते हैं, ऊपर सिर्फ थोड़ा ज़्यादा गैप है, बाकी ये सब छोटे छोटे गैप हैं, इनमें से निकलेंगे भी नहीं। गैप हमें जो छोटा ही रखें, बकरे जो होते हैं ना फ्लेक्सिबल होते हैं, ये लोग निकल जाते हैं। इसको बड़ी मजबूती से तार से और रस्सियों से बांधा हुआ है, ताकि ये लोग निकल नहीं सकें ना। कोशिश तो करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निकल नहीं पाते ये लोग यहाँ से। कभी बारिश वगैरह होती है तो ये, और रात के वक्त ये ऐसे आगे आ जाता है, ये यूँ करके आगे आ के पूरा ये पैक हो जाता है रात के वक्त, थोड़ी बहुत ठंड होती है रात में। बाकी ये छोटा मोटा मेरा सेटअप था, दो सेटअप हैं, एक ये और एक वो वाला।
तो और ये जो स्टॉक आया हुआ है इसकी इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, उसमें मिल जाएगी। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।